साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों से आज लगभग 6 महीने के बाद मैं रूबरू हो रहा हूं। कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं और बातें व्यक्तिगत ऐसी हो गई कि हमारे और आपके बीच में वार्तालाप लगभग बंद हो गया था। फिलहाल आप सभी की दुआओं से मैं एक बार फिर से आपके बीच में हूं। सबसे पहले मैं दिव्यांगम चैनल की पूरी क्रिएटिव टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि दिव्यांगम चैनल प्रतिदिन एक नए पायदान को, सफलता के नए पायदान को प्रतिदिन चूम रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ एक नए कीर्तिमान स्थापित किए कि हम आज उस श्रेणी में पहुंच गए हैं कि जहां से हमारे दिव्यांगम चैनल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है। इसलिए मैं दिव्यांगम चैनल की पूरी क्रिएटिव टीम को बहुत बहुत बधाई प्रेषित कर रहा हूं। पूरी टीम में हमारे एमडी साहब से लेकर के दिव्यांगम चैनल के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ हमारा आखिरी दर्शक तक इस बधाई का पात्र है, जिसने हमें नित्य प्रतिदिन एक नए सुझाव के साथ, एक नए कलेवर के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी है। साथियों, ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि आज हम एक ऐसे पाक मौके पर दोबारा रूबरू हो रहे हैं कि जिस पर जितनी भी एक दूसरे साथियों को बधाई दी जाए उतना कम। आज हमारे एक भाई के लिए आज नवरात्रि का 7वां पवित्र दिन है। आप मुझे भी देख रहे होंगे कुछ बदले हुए रूप पर। ये हमारे नवरात्रि की एक धार्मिक पहचान कह सकते हैं, या जिन नामों से, शब्दों से आप नवाजें, हम उस नवरात्रि के मौके पर आपसे मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ आज रमज़ान का पाक 5वां रोज़ा है। इन ऐसे पाक मौके पर हम अपने सभी दर्शकों को, अपने दिव्यांगम चैनल की पूरी टीम को, दिव्यांगम चैनल के आखिरी दर्शक तक सबको बहुत बहुत बधाई मैं दे रहा हूँ। और ईश्वर से, अल्लाह से एक यही प्रार्थना है कि हम और आप शांति और भाईचारे के साथ आगे बढ़ें और साथ ही साथ नई नई सफलताएं हासिल करें। दिव्यांगम चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज के दिव्यांगों को एक आइकॉन के रूप में आगे प्रस्तुत करना और साथ ही साथ इस समाज की एक एक समस्याओं को समाज के सामने रखना और स्थानीय प्रशासन से लेकर हमारी केंद्र सरकार तक हमें इस समस्याओं को आगे बढ़ाना और पहुंचाना। इसी क्रम में मैं सीतापुर जनपद के जिला अध्यक्ष के रूप में और विकलांग साथी ट्रस्ट के एक राष्ट्रीय सचिव के रूप में आज आप सभी दर्शकों के माध्यम से, दिव्यांगम चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के प्रशासन को और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को इस बात की सूचना भी दे रहा हूं कि सीतापुर जनपद में जो दिव्यांग जनों का प्रशिक्षण शिविर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में लगता है, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हम लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। और किसी भी दिन,
किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उसका प्रमुख कारण है कि यह कार्यालय सीतापुर लखनऊ मुख्य राजमार्ग पर है। यहाँ पर भारी भारी वाहन प्रतिक्षण निकलते हैं और उनकी ना केवल स्पीड पर कोई कंट्रोल रहता है बल्कि उनके फर्राटा दौर से सड़क पर चलने वाले दिव्यांगजन बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रभावित होते हैं। और दूसरा एक प्रमुख कारण वो ये है कि मुख्य राजमार्ग पर होने के कारण हमारे यातायात के छोटे साधन जो जनरल हम लोग सब लोग प्रयोग करते हैं, ऑटो, रिक्शा या बैटरी चलित ऑटो, कोई भी वहाँ पर नहीं रुकता। उसका भी कारण है कि मुख्य राजमार्ग पर होने के कारण दो ब्लॉक कह लीजिए, दो सिटी कह लीजिए, उनके बीच में होने के कारण ये वाहन पूरी तरह से भर के फुल होकर के आते हैं, इसके कारण भी एक दिक्कत पड़ती है। और लखनऊ सीतापुर राजमार्ग पर होने के कारण यहाँ पर कोई भी बस नहीं रुक सकती, वो या तो सीतापुर से भर के आती है लखनऊ जाने के लिए या लखनऊ से भर के आती है सीतापुर जाने के लिए, और कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी स्टॉपेज नहीं है। इसके अलावा इस कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर आने वाले दिव्यांगजन जब परीक्षण के लिए सामने आते हैं तो डॉक्टर उनको एक्सरे या कोई और जांच जब बताते हैं तो उनको उस सीएमओ कार्यालय से वापस 5-6 किलोमीटर दूर सीतापुर शहर स्थित जिला चिकित्सालय आना पड़ता है। वहाँ पर आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई भी दिव्यांगजन सड़क के किनारे खड़ा होकर के किसी वाहन का इंतज़ार करता है तो ये जान जोखिम में डालने के बराबर है। दिव्यांगन चैनल के माध्यम से विकलांग साथी ट्रस्ट की सीतापुर की टीम ने, स्वयं मैंने पिछले लगभग एक साल से एक मुहिम छेड़ रखी है कि किसी भी तरह से ये कार्यालय वहाँ से हटकर सीतापुर शहर के मुख्यालय पर आ सके। इसमें एक दूसरे एनजीओ के हस्तक्षेप के कारण, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, उसके हस्तक्षेप के चलते कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से इसको स्थानांतरित करने के कुछ मौखिक आदेश हो गए, शायद अंदरूनी लिखा पढ़ी भी हो गई हो, क्योंकि यहाँ की जानकारी दिव्यांगन चैनल को और विकलांग साथी ट्रस्ट को नहीं दी गई। वहाँ के सम्मानित बाबू ने जो विकलांग जन के इस पूरे परीक्षण शिविर को कंट्रोल करता है, संचालन करता है उसका, उन्होंने कई दिव्यांगजनों के रसीद पर यह लिख कर के भी दिया कि आपका परीक्षण 16 जनवरी से दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालय में होगा, परंतु नतीजा वही ढाक के पात, नतीजा वही सिफर, आज तक ये कार्यालय स्थानांतरित नहीं किया गया। इससे परेशान होकर के कह सकते हैं, इससे क्षुब्ध होकर कह सकते हैं, इससे नाराजगी भरे लहजे में कह सकते हैं, जिला अध्यक्ष विकलांग साथी ट्रस्ट के रूप में मैंने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर और स्थानीय खुफिया विभाग LIU को आज एक सूचना दे दी है और इस दिव्यांगम चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित अधिकारियों और राजनेताओं को, जिसमें हमारे कई सम्मानित मंत्री भी शामिल हैं जिनको मैं ये सूचना दे चुका हूँ पहले भी, उन सबको सूचित करते हुए मुझे दुख भी हो रहा है कि यदि 10 अप्रैल तक जो विकलांग जन सशक्तिकरण परीक्षण शिविर लगेगा उस 10 अप्रैल सन 2023 दिन सोमवार तक
इस शिविर को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालय तक स्थानांतरित नहीं किया गया तो आगामी 17 अप्रैल दिन सोमवार, आगामी 17 अप्रैल सन 2023 दिन सोमवार को सीतापुर जनपद के विकलांग साथी ट्रस्ट के बैनर तले कई विकलांग इस मांग को लेकर के आदरणीय महामहिम मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल और इस राज्य की केंद्र सरकार से सीधे वार्तालाप करने के लिए 17 अप्रैल सन 2023 दिन सोमवार को दोपहर 12 बजे सीतापुर शहर में स्थित सरोजनी वाटिका से एक पदयात्रा प्रारंभ करेंगे और इस पदयात्रा का पूरा दायित्व तो स्थानीय प्रशासन खासकर दिव्यांग उपाध्यक्ष उपायुक्त सॉरी दिव्यांग उपायुक्त सीतापुर जो कि प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी होता है, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालय के मुखिया दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद सीतापुर के ऊपर इस पूरी यात्रा का दारोमदार होगा। यदि किसी विकलांग को रास्ते में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत हो, उसके लिए पूरा का पूरा स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस सूचना की जानकारी मैं आज ही दिव्यांगम चैनल के माध्यम से अपने जनपद के सभी सम्मानित अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों को मैं प्रेषित कर रहा हूं। चूंकि आज मैं कार्यालय जिलाधिकारी गया था, कार्यालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्य गया था, कोई एक अति महत्वपूर्ण चाहे राजनेता हों चाहे कोई अधिकारी हों लखनऊ से आए थे, लिहाजा दोनों ही कार्यालयों में, सीतापुर के डीएम कार्यालय और सीतापुर के विकलांग कार्यालय में एक भी अधिकारी नहीं मिला। तो मैं एक बार फिर से कल इन दोनों कार्यालय में जा करके इस आशय की सूचना दूंगा। फिलहाल दिव्यांगम चैनल से इस प्रेषित वीडियो को ही एक एडवांस में सूचना समझा जाए और आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि इस कार्यक्रम को, इस रैली को, इस पदयात्रा को अपना आशीर्वाद और सहयोग जबरदस्त तरीके से दें। शायद ये दिव्यांगम चैनल की देन है, शायद ये हमारे समाज के दिव्यांग साथियों की देन है कि हम अगर कहीं से राहत नहीं मिल रही तो अपने बूते पे राहत लेने के लिए एक अंतिम प्रयास और कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुदा हाफिज। आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान के सभी साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और पाक रमजान महीने की दिली मुबारकबाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर से रूबरू होने का वादा लेकर दिव्यांगम चैनल के लिए मैं प्रवीण सिन्हा आपसे नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।